नमस्कार, मैं कमलेश शर्मा। यदि बात की जाए आज जो चितने के फादर राकेश शर्मा और जो आशीष शर्मा जो निर्दलीय विधायक है, उन्हें आज बालूगंज पुलिस में तबल होना है। बता देना चाहते हैं खासकर जिस तरीके से इस बार जो क्रॉस वोटिंग हुई है, ऐसे में जो आरोप लगाया गया है कि खरीद फरोख्त के अभी आरोप लगाया गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज जो आशीष है और जो चितने के पिता है उन्हें आज तबल किया है। वहीं आपको बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से जो 6 बागी विधायक है और साथ ही जो 3 निर्दलीय विधायक क्या और उनके घरों में CRPF तैनात बीते दिन से कर दी गई है, और जिस तरीके से देखा जाए 68 विधानसभा क्षेत्र में अगर हम भाजपा की बात करें तो 25 विधायक, वही कांग्रेस के पास 40 और 3 निर्दलीय थे। ऐसे में जो इस बार जो क्रॉस वोटिंग हुई है 6 बागी विधायक है, इसके अतिरिक्त जो 3 निर्दलीय विधायक ने जो भाजपा समर्थन किया, जो आंकड़ा 34-34 का रहा, उसके बाद लॉटरी के माध्यम से जो भाजपा विजय रही जिसमें हर्ष महाजन जीते और वही अभिषेक मनु सिंह भी हारे। लेकिन जिस तरीके से अब जो SIT का गठन किया गया है जिला शिमला SP द्वारा, और खासकर जो खरीद फरोख्त का जो मामला दर्ज किया गया जिसको मद्देनजर रखते हुए आज जो चैतन्य व के फादर जो राकेश शर्मा जो कि रिटायर ऑफिसर है, मुख्य सचिव रह चुके हैं उत्तराखंड में, और साथ ही आशीष शर्मा को आज तबल किया गया है। वहीं अब बताया जा रहा है सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक अन्य जो भाजपा नेता के खिलाफ भी शायद FIR दर्ज की जा सकती है। फिलहाल लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से, इंडिया न्यूज़।